काला डूंगी से एक छोटी बच्ची घर से उठाई थी लेपर्ड ने, उसके बाद एक लेपर्ड और टाइगर पकड़े थे इस वक्त, यही टाइम था तो माँ ने देख लिया उसकी फिर भी, लेकिन अब लेपर्ड का शिकार बहुत जबरदस्त है ना वो तो। उनका घर दिखता है यहाँ से जो लास्ट लाइट दिख रही है वो? हाँ हाँ, बस के जस्ट बगल में ही है। फिर से डर का माहौल, फिर से एक साल बाद फिर बन गया है डर का माहौल। अच्छा, प्रॉपर्टी में घुसा था, पता नहीं एक हाथी कैसे मर गया पता नहीं अचानक, तो फॉरेस्ट वालों ने क्या कर दिया, वो हाथी को जो है इसी के अंदर दबा दिया उन्होंने। तो वह हाथी एक ऐसी चीज है, हाथी को सारी याददाश्त रहती है, मतलब 21 के 21 रूम डैमेज है। एसी तो फुटबॉल बना के फेंक रहे थे वो एसी को। अच्छा, बदला ले रहे हैं। आपकी गाय कहाँ मारी थी बाघ ने, पीछे ना? हाँ पीछे, वो तो सामने मारी थी। कितने बजे? वो तो दिन में करीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास का टाइम था। खाई थी या ऐसी मार के भाग? मार के खा दिया, मतलब एक बार मारा फिर आया होगा, फिर दोबारा आया, फिर तो चीर फाड़ी कर दिया उसने। So guys, हम चल रहे हैं अब नाइट ड्राइव, कुछ दिखाओगे हरीश भैया? देखो अभी चाह रहे हैं, चांस है कुछ भी दिख सकता है, अभी ओपन जंगल है। आपकी गाय कहाँ मारी थी बाघ ने, पीछे ना? हाँ पीछे, वो तो सामने मारी थी। कितने बजे? वो तो दिन में करीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास का टाइम था। खाई थी या ऐसी मार के भाग? मार के खा दिया, मतलब एक बार मारा फिर आया होगा, फिर दोबारा आया, फिर तो चीर फाड़ी कर दिया उसने। लेपर्ड था या क्या था? लेपर्ड। गाय भी वो पहाड़ी नस्ल की थी ना, छोटी गाय थी, छोटी गाय होगी। हाँ। अब तो यहाँ भी कालाडोंगी में भी 2 गेट खुलने वाले हैं। यहाँ अपने? हाँ, हाँ। जहाँ भी हम जा रहे हैं। अच्छा, एक याला पैच है, एक है इधर अपना नेहाल नदी की तरफ। अच्छा, अगले साल से 2025 से मुझे लग रहा है कालाडोंगी से सफारी स्टार्ट हो जाएगी। जानवर तो यहाँ भी आ जाता होगा? अरे पूरा हाथी जाता है इस रास्ते से, सुबह सुबह दिखता है लोग बाहर आता है वो। अरे अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 साल हो गया, काला डूंगी से एक छोटी बच्ची घर से उठाई थी लेपर्ड ने, उसके बाद एक लेपर्ड और टाइगर पकड़े थे इस वक्त, यही टाइम था सेम। कहाँ है वो? वो आगे इधर जहाँ पे मेन चौराहा है नैनीताल रोड। हाँ हाँ, नैनीताल रोड के राइट साइड पे आगे थोड़ा सा आगे जाकर, आज 1 साल हो गया लगभग। अब उसमें हुआ क्या, किसी ने मेरे से बोला कि टाइगर उठा के लेपर्ड, टाइगर घर से थोड़ी ना उठाएगा यार, लेपर्ड था वो, लेपर्ड ही होगा। दूसरे दिन पूरी टीम आई थी फॉरेस्ट वालों की। अच्छा अच्छा, और उसकी पंजी भी देखी गई। मादिन थी? कौन थी? तो मादिन ही थी शायद, क्योंकि ज़्यादा एग्रेसिव थी ना, वो अटैक कर रही थी। लेकिन बच्ची को घर से उठा के ले गई तो माँ ने देख लिया उसकी फिर भी, लेकिन अब लेपर्ड का शिकार बहुत जबरदस्त है ना वो तो। अगर उसने केनाइन करा दिए होंगे? हाँ, वो तो ले गया ना उठा के सीधा, छोटी बच्ची थी। फिर उसकी बॉडी मिली? हाँ, पूरा गाँव वाले पूरा अगल बगल अड़ोसी पड़े थे, हल्ला गुल्ला हुआ ना। जो अभी जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिम कॉर्बेट की विलेज में ना, छोटी हल्द्वानी। जिम कॉर्बेट कभी यहाँ घूमते होंगे? अरे उनका बसाया हुआ है ये पूरा। अभी उनका बर्थडे भी तो था, बनाया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया तरीके से, या तो हर साल बनाते हैं उसको ना, बर्थडे बनाते हैं, अच्छा रहता है। कॉर्बेट के डायरेक्टर भी आते हैं। अच्छा, तो ये जो लड़की उठाई ना पिछले साल लेपर्ड ने यहाँ से कालाडूंगी से, कितने बजे की बात होगी? वो लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में, ऐसे टाइम, मतलब ऐसा टाइम था वो। और वो घर के अंदर खेल रही थी? घर के अंदर खेल रही थी, 2-3 महीने थी वो। अंदर जो गैलरी होती है ना, गैलरी। हाँ हाँ हाँ। कम से कम कमरे के अंदर 7-8 फीट अंदर से, वहाँ से ले गया, वहाँ से उठा के ले गया। बताओ, और ऐसे टाइम था, मतलब कुछ कम इससे अभी तो ज्यादा हो गया, 8 बजे का होगा। फिर उसको मतलब पकड़ा कैसे? पिंजरा? पिंजरा लगाया, पिंजरा लगाया तो उसमें दो लेपर्ड पकड़े भी यहाँ से। अच्छा, कोई बोल रहा था एक टाइगर एक लेपर्ड था? ना ना, दोनों लेपर्ड थे। अच्छा अच्छा, वीडियो भी आई थी हमारे पास। जी जी, तो उन्होंने जो है दोनों पकड़े, लेकिन जो पहले वाला पकड़ा जो उसके चेक किया वो नहीं था। अच्छा, बाद में तो जिसने एक्चुअली उसको मारा था, अब घर में घुस के मारा तो मतलब खाने के लिए मारा होगा वो। लेकिन क्या हो रहा है, इस बार भी दिख रहा है, इस बार फिर दिख रहा है वहाँ। अच्छा, ऐसे टाइम पे दिख जा रहा है कुत्ते पकड़। अभी नैनीताल रोड पे चलेंगे हम पहले, अभी। अच्छा, मुझे याद आ गई, पहले यहाँ कवर करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चल रहा है अभी। ये नैनीताल रोड में अपना ऊपर घटघर की तरफ। हाँ, इसमें जो है लगभग अभी हफ्ते दिन पहले 2-3 कुत्ते उठा के ले गया वहीं, मतलब इस टाइम से। अच्छा अच्छा, फिर आ गया यहाँ पे। तो आपके राइट साइड में है जिम कॉर्बेट का घर, ये है नैनीताल चौराहा है। यहाँ से लेटर को लेना है, अब यहाँ से हम चले गए ये नैनीताल रोड में। यहाँ पे हुआ था पिछले साल लेपर्ड अटैक, जिसमें एक कितनी बड़ी थी वो लड़की? ऐसी होगी 3-4 साल की। 3-4 साल की लड़की को लेपर्ड ने किल किया था इसी समय। उनका घर दिखता है यहाँ से? जो लास्ट लाइट दिख रही है वो? हाँ हाँ हाँ, बस के जस्ट बगल में ही है। तो गाइस, यहाँ से राइट साइड
100 मीटर्स के अंदर बच्ची को घर के अंदर से उठा के ले गया है बाप रे बाप। पूरा जंगल है चारों तरफ ना, यहाँ पे आबादी जरूर है लेकिन चारों तरफ जंगल ही है। बस ये जंगल आगे मोड़ के बाद खत्म आबादी, आगे जंगल है। जो अभी ये कुत्ता उठा के लेके गया हूँ ना मैं, ये पानी की नहर है जहाँ पे ये खड़े हैं। जी जी जी, इसके आगे जो कारें दिख रही है ना, ये उठा के ले गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फिर ये पत्थर मार रहे हैं, ये भूख रहा है ना कुत्ते। हो सकता है फिर मूवमेंट हो रहा है अभी। यहाँ तो कुत्ते रिहायशी इलाकों में कॉलिंग करते हैं तो यहाँ पे जहाँ हम खड़े देखे कितना रिहायशी इलाका है, शॉप्स को लिए, और यहीं से थोड़ा सा अंदर वो लास्ट ईयर इसी समय सावन के समय में, इसी समय में वो लेपर्ड 5 साल की 4 साल की लड़की होगी उसको घर से उठा कर ले गया। बताइए अब आप समझ सकते हैं कितनी इंटेलिजेंस होती है उस लेपर्ड ने कितनी रेखी की होगी उसके पूरे घर की, कि किस समय बच्चा अकेला रहता है और सही समय मिलने पर झपट गया उसमें। A very intelligent animal that learns with experience. This is something that Jim Corbett has mentioned in his book, The Man-Eating Leopard of Rudraprayag. अच्छा, वहाँ पे मुहान वगैरह यहाँ पे रात में ना स्ट्रेस कॉलिंग होती है मोर की भी और इसकी ये सांबर और चीतल की तो बड़ी प्यारी होती है, आओ, आओ, करते हैं। उससे पता चलता है। यहाँ पे आप लोग कैसे ट्रैक करते हो, कुत्ते से? कुत्ते से ज्यादातर तो कुत्ते से है, बाकी यहाँ भी कॉल होती है, डियर की कॉल होती है। अच्छा अच्छा, जबरदस्त कॉल होती है डियर की, सांबर डियर की कॉल होती है, क्योंकि रात को 8-9 बजे या 10 बजे के बाद थोड़ा शांत हो जाए एरिया ना, और अच्छी कॉल होती है। और कभी कभी तो लेपर्ड भी ग्राउलिंग करता है ना, इस तरीके से करता है वो, जैसे आरी चल रही हो। हाँ, बहुत तेज आवाज होती है उसकी ना, तो ये लेपर्ड की हुई, लेपर्ड की आ जाती है, मतलब ये मान के चलिए हफ्ते में एक आध ये करता है इस तरीके से, बहुत तेज, मतलब अच्छी साउंड है, अगल बगल बोलेगा तो डर लग जाएगा आदमी को, ऐसा है। और जो टाइगर कहते हो आउम आउम, वो तो पूरा ओम ही बोलता है। यहाँ से मैंने, यहाँ पे एक हमारे लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर्टी इधर, अच्छा अच्छा, वो मिसेस आनंद की है जी, नेचर लवर, इनकी प्रॉपर्टी के अंदर भी जो है ना लेपर्ड टाइगर दोनों दिख जाता है। कभी कभी क्या होता है डियर को मार देता है ये प्रॉपर्टी के अंदर। अभी लास्ट टाइम क्या हुआ ना, इनके संग बड़ी दिक्कत हुई जी, हाथियों का ये कैरिडोर है जी जी, कॉर्बेट का हाथी पर ये यहीं से ऐसे निकलता है, पूरा क्रॉस होता है रोड जी, जी जी, तो वो प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं, प्रॉपर्टी में घुस जाता है, पता नहीं एक हाथी कैसे मर गया पता नहीं अचानक इनकी प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि प्रॉपर्टी पूरी जंगल वाली है। अब ये मैडम यहाँ पे नहीं थी, यहाँ कोई था नहीं, मतलब मैडम परिवार का, बाकी स्टाफ था। तो फॉरेस्ट ऑल ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, वो हाथी जब मरा हुआ, जब हफ्ते 10 दिन बाद जब बदबू आने लगी, तो जब इन्होंने चेक किया, हफ्ते 10 दिन बाद जब इन्होंने बदबू आने लगी तो चेक किया, तो हाथी मरा हुआ था, उन्होंने फॉरेस्ट वालों को बताया। तो फॉरेस्ट वालों ने क्या कर दिया, वो हाथी को जो है इसी के अंदर दबा दिया उन्होंने, प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर ही दबा दिया। और मैडम यहाँ थी नहीं जी। अब क्या हुआ, हाथी एक ऐसी चीज है, हाथी को सारी याददाश्त रहती है, मतलब जो उसके साथ के ना वो हर साल आते हैं, तो उन हाथी को दबाने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी 20-21 रूम की प्रॉपर्टी बंद चल रही है जब से हाथी आ जाते होंगे। तो तोड़फोड़ पूरी प्रॉपर्टी में, जितने रूम है 21 के 21 रूम डैमेज है। एसी तो फुटबॉल बना के फेंक रहे थे वो एसी को। अच्छा, तो बदला ले रहे हैं पूरा कॉरिडोर है हाथी का, यही क्रॉस होता है। यहाँ पे ऊपर से वो हैंगिंग ब्रिज भी लगा रखा था रेप्टाइल्स को क्रॉस, पीछे था वो तो हट गया रेप्टाइल्स को क्रॉस कराने के लिए। हाँ, रेप्टाइल में क्या था, वो असल में हम ही लोगों के लिए था, वो हम ही लोगों के लिए इसलिए था कि मतलब इनका भी ध्यान देना है ना, ज्यादा तेज में नहीं चलना है, स्पीड में नहीं चलना है, सरी सर्पों का भी ध्यान रखना है, क्रॉसिंग कर रहे हैं उनको भी बचाना है। और रॉक पाइथन कितने मरे हुए रहते हैं? बहुत, वही तो एक बार हमको ना, हमें यहाँ पे सुबह सुबह करीबन बर्डिंग के लिए आया था मैं और मेरे साथ का दो लड़के थे, तो इतना बड़ा किंग कोबरा रोड में मरा हुआ था ना, ऐसे फैला हुआ था बिल्कुल, मरे हुए भी हाथ लगाने में डर लग रहा था। गाड़ी चल गई होगी बेचारी, गाड़ी चढ़ गई उसमें, और वो भी मतलब सुबह सुबह के टाइम पे चढ़ी हो, क्योंकि ज्यादा चीटी नहीं लगी थी ना उसमें जी जी जी, और ज्यादा पिचका हुआ भी नहीं था वो, कोई कार वार चढ़ी शायद उसमें था, बहुत मोटा बहुत बड़ा था वो, तो मरे हुए साहब की पूंछ पकड़े किनारे रखने में भी डर लग रहा था, बिल्कुल लगती है कहीं उठ ना जाए करके ऐसा हो रहा था। तो लेपर्ड का किधर चल रहा है यहाँ से थोड़ा आगे? लेपर्ड का एक तो ऐसा करेंगे ना, अभी वहाँ पे जहाँ पे वो पत्थर मार रहा था ना वो नहर के बगल में, वहाँ पे इस समय पे अटैकिंग पॉइंट है उसका। किस पे? गाड़ियों पे? गाड़ी पे नहीं, वो कुत्तों कुत्तों पे ना। अच्छा अच्छा, जंगल में वहाँ पे किनारे पे बैठ जा रहा हूँ, आजकल झाड़ियाँ बहुत है कहीं पे भी बैठ जा रहा हूँ। अभी ये
बाइक से याद आया, अभी कुछ अभी जब वो गाय मारी थी ना गर्जिया में, गर्जिया से जब थोड़ा ऊपर जाओगे मंदिर क्रॉस करने के बाद जब रामनगर की तरफ जाओगे, बाइक वाले पे झपट गया वो, तो अच्छा हुआ गिरा नहीं, उसके खाली पीठ में स्क्रैच आए और वो भाग लिया वहां से। हॉर्वेट में भी 2010 के बाद पता नहीं ऐसे ज्यादा सीन क्यों हो रहे हैं, उससे पहले तो वहाँ कोई गिनती नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। 2010 में सुंदरखाल मैनिटर मारा था इन्होंने, लखपत रावत जी ने। हम वहाँ ना, मैं जैसे 2007 से हॉर्वेट में चले गया था मैं भी, तो वहाँ पे जो है टाइगर की मैनिटर की कहानी जो बताते थे, जो ढिकाला के अंदर हाथी चलाते ना महावत, जी जी जी, उसको अटैक किया था, मतलब बहुत सन 1900 कुछ की बात है मुझे लग रहा तब, वो चलता था खाली वाइल्ड लाइफ मूवी, जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते ना, उसी में सुनने को उसी में देखने को मिलता था कि उन्हें एक ये बॉम्बन थे वो, उनको अटैक कर दिया और एक तो जिंदा रहे एक तो एक मर गए। लेकिन 2010 के बाद तो इतने मैनिटर हो गए और टाइगर भी बहुत मारे गए, मारे भी बहुत गए ना, फिर तो क्या करते फिर उनको, कितने तो बेचारे नॉन मैनिटर भी मारे गए थे। डर तो डर है, अभी बीच में मरचुला जगह पड़ती है ना वही मोहन से ऊपर, तो वहाँ पे जो है दिन दहाड़े मतलब एक टाइगरेस घूम रही है रात को भी, मगर वो बहुत कमजोर। मरचुला में कहाँ पे, ये बीच बाजार में है, पूरी बाजार में घूम रही है वो, पूरे कैमरे में आ रही है, जिसका वीडियो आया था उसमें गोली वोली भी चलाई थी, गोली फिर बाद में मुझे लग रहा वो मार दिया था पहले उसको, क्योंकि वो बड़े कमजोर टाइगरेस है, कमजोर वो आदमी को अटैक करने के लिए ढूंढनी थी वो, जी जी, आदमी फिर इजी है ना उसके लिए, बहुत इजी हुआ। बाकी अगर फ्रेश टाइगर है तो उसको भी 20 बार कोशिश करनी पड़ती है तब जाएगा, एक बार सक्सेस होता है अपने किल में। बिल्कुल बिल्कुल, इसी टाइम में डिवाइडर हो ना, जैसे डिवाइडर में इनमें बैठे रहते हैं, इनमें बैठे रहते हैं, और कई गाड़ियों को दिखता है वो, चांस है ना, ये है गेम ड्राइव, ये कलमट के आसपास भी दिखते हैं, कलमट के आसपास है क्योंकि जानवर क्रॉस होता है ना इधर से, जी जी जी। आउल दिखाऊंगा तुम्हें यहाँ पे ना अभी, अच्छा यहाँ पे मिलता है ओरिएंटल स्कोप आउल, अच्छा बर्ड्स के लिए तो अच्छा है, भी इसको भूत दिखा दिया हमें। लेपर्ड कैसे देखेगा, हमें तो अभी लेपर्ड को ढूंढना है ना, लेपर्ड ढूंढना बेटा, सर्पिंग डांसिंग लेडी दिखाओ पहले, अभी दिखेगी ये, ऐसे ना पैरापिट्स के बीच में भी साला ताकता रहता है, कब दिखेगी सर्पिंग डांसिंग लेडी। आसपास के जो पेड़ है ना, पेड़ जो इस तरीके से है उसमें भी बैठे रहता है, टॉर्च मारना तो अलाउड नहीं हुआ ना इसमें, टॉर्च मारना अलाउड नहीं हुआ, उधर कोटाबाग वाली रोड में जाएंगे ना अभी, इसमें ज्यादा ट्रैफिक है इस रोड से, तो मैं रात के 2-2 बजे 3-3 बजे अल्मोड़ा गया हुआ, लेकिन हर जगह मेरे को दिखा लेपर्ड, इस रोड में आज तक नहीं दिखा। और जब भी लोगों को दिखता है, अरे जबरदस्त दिखता है यार वो, जबरदस्त लोग बताते हैं कालाडूंगी पहुंच के, उन्होंने भैया वहां चले जाओ ब्रिया बैंड को, हमें बोल दिख रहा है लेपर्ड, और लोग वहां से दोबारा आ रहे हैं तब भी दिख जा रहा है उनको, वो बैठा है बिल्कुल आराम से, उसको मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं। अब जब यहाँ पार्क, ये पार्क का पार्ट बन जाएगा ना अभी, जी जी, तो फिर यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी, अब उनको संरक्षण अगर मिलेगा, मिलेगा तो फिर वो भी जो है अच्छा इजी दिखेगा, जैसे कॉर्बेट भी दिख रहा है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि लोग खतरा है, अवैध शिकार भी कर दे रहे, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई वो नहीं है ना, रात को जा रहा है आदमी 10-11 बजे, कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब गाड़ी में जा रहा है, क्या पता किस मोमेंट से जा रहा है ना, तो इसलिए आस पास यहाँ पे दिख नहीं रहे जानवर, यही रीजन है, मतलब अवैध शिकार अभी भी चल ही रहा है, अवैध शिकार चल रहा है या नहीं चल रहा है मगर पता कुछ नहीं है, कोई अपने मुंह से थोड़ी ना बोलेगा। अगर जानवर नहीं दिख रहे हैं आसपास तो चल ही रहा होगा, फिर जानवर डरे हैं, हम जंगल में जा रहे हैं, बीचों बीच जंगल में है अभी हम, तो यहाँ पे अगर हमें आसपास जानवर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। अब जैसे मोहन है, मोहन में तो मुंह के सामने आ जाते हैं, सामने वहाँ तो तुम किसी समय चले जाओ, सही बात है, वो कॉर्बेट वाला पार्ट है तो उसमें अभी सकता है अच्छी, यहाँ पे अभी ओपन फॉरेस्ट है, जी जी जी, पता कुछ नहीं है, नहीं दिखने का मतलब तो यही है, जी जी। बताइएगा कहाँ से मोड़ना है, नहीं अभी प्रिया बैंड से मोड़ेंगे ना, कौन सा बैंड, प्रिया बैंड पड़ता है यहाँ पे, अच्छा जो यू टर्न करके है, हाँ हाँ, जहाँ से पूरा नीचे का इलाका दिखता है, वो बना रखा ना, वो फॉरेस्ट वाला बना रखा है, मतलब वहाँ टावर बना रखा, वहाँ से देखते हैं आग आग तो नहीं लगी है जंगलों में, अच्छा वॉच टावर होगा, वॉच टावर है। हमारे अल्मोड़ा में क्या सीन है, रात के जो बल्ब होते हैं ना स्ट्रीट लाइट, वो एक बंदा है जिसको एक पूरे एरिया का जाके शाम को ऑन करता है, सुबह जाके ऑफ करता है। अभी हुआ क्या, हमारे घर के नीचे अल्मोड़ा बाईपास है,
पिथौरागढ़ से जो गाड़ियां आती है ना या बागेश्वर ताकुला से, वो भारी बाहर निकलती है धारा नौला होते हुए, तो वहां पे एक जगह सिकुड़ा बैंड, सिकुड़ा बैंड में वो जहाँ लाइनमैन जा रहा होगा अपनी लाइट ऑन करने के लिए, कह रहा भैया ऊपर से आ गया भौंक 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 मेरे पे अटैक करने को। फिर उस दिन तो मैं बचा, तो उस दिन भगवान का नाम लिया मैंने। अल्मोड़ा में भी बहुत ही ज्यादा निडर हो गया है तेंदुआ, ये लॉकडाउन के बाद तादाद ही बढ़ गई इनकी वजह से, बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ज्यादा बढ़ गई ना, क्योंकि आदमी को तो देखने को नहीं मिले इनको, आदमी सब साइलेंट हो गए, सब घर के अंदर पैक हो गए, अब आदमियों से डर भी नहीं रहे, ज्यादा तादाद भी बढ़ गई ना, एक एक के बाद एक, मतलब ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन में दो दो भी दिख जा रहे हैं, जबकि तेंदुआ तो शाही कैट होती है, वो तो बहुत ज्यादा कैट फैमिली तो सब सही हो, छुपती है वो अपना आपको दिखाती नहीं है। गाइस अभी एकदम पिच डार्क में रुके हुए, ये देखिए यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही है इस समय। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत रेयर आउल दिखता है। नाउ द पर्सन हु इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी इज द ओनर ऑफ माय रिसॉर्ट हरीश भैया। ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट बर्ड्स, ही इज अ प्रोफेशनल बर्ड वॉचर। देखिए कुछ आवाज आई होगी इसमें, ये आउल की आवाज ट्रेस कर रहे हैं भैया। ऐसा अचानक कभी ऐसा होता है कि जंगल में घुसते ही दिख जाता है, कभी ऐसा होता है कि कई सवारी करती तब भी नहीं दिखता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो शौकीन बंदे हैं ना उनको दिखता नहीं है, और जिनको कोई मतलब नहीं होता उनको दिखता, दिखता है, ये हकीकत बात है। तभी मेरे साथ के जो भी नाइट ड्राइव में या सफारी में जाते हैं ना, उनसे मैं बोलता हूँ कि ये दिल में रख के चलो कि तुम्हें जंगल एंजॉय करना, नेचर एंजॉय करना, बस बस बस, जो दिख गया वो बोनस बोनस, ये हकीकत बात है, जंगल का घूमने का मजा ही है। कभी कभी जंगल कैट भी दिख जाती है इधर ना, लेपर्ड कैट, हाँ जंगल कैट जो होती है, हाँ लेपर्ड कैट भी है, लेपर्ड की तरह होगी, छोटा साइज होगा, बिल्ली के बराबर, हाँ बिल्ली के बराबर होती है, उससे थोड़ा बड़ा तो अपना कुकुरिया बाघ होता है, हाँ वही लेपर्ड ही हुआ, कुकुरी बाघ, कुकुरी बाघ, लेपर्ड, तेंदुआ ना, ये सब एक ही है। वो लड़के जो पत्थर मार रहे थे नीचे भी, हाँ वो किसको मार रहे थे, कुत्ते भूख रहे थे ना, उनको यही डर है, मतलब मैं कहता रहा हूँ काफी एक्टिव हो रहा हूँ, आपको वहाँ पे जो है वो कुत्ते भूख रहे, तो खतरा है ना, वहीं पे घर है ना उन लोगों के, अरे अच्छा, तो इसलिए पत्थर मार रहे, पत्थर मार के भगाए थे आसपास बैठा होगा, दो तीन कुत्ते उठा लिए हफ्ते हफ्ते के अंदर, उनके पले हुए कुत्ते हैं। फिर से डर का माहौल, फिर से एक साल बाद फिर बन गया है डर का माहौल। अच्छा बीच में ठीक था, बीच में तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी वही टाइम आ गया ना सेम, और एक्टिविटी भी हो रही है, लेपर्ड की दिख भी रहा है, वो देख भी लिया लोगों ने, और दो तीन कुत्ते उठा लिए। वो जो लड़की मारी थी बच्ची, वो भी इसी समय मारी थी ना, ये साल भर हो गया समझ लो ये पूरा। लेपर्ड की एक और खासियत होती है, उसको जहाँ से नीचे को पूरा एरिया दिखता ना वही बैठा हुआ रहता है, रेगी करता वहाँ से, रेगी करता बहुत, मतलब कहते हैं ना साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, लेपर्ड को, अगर इसने अपना एक बार टारगेट लॉक कर दिया ना बस, तो फिर 99.9% मार देगा, 1% अगर उसकी किस्मत में बचना होगा तो भी बचेगा, नहीं तो मार देगा, क्योंकि ये बड़ा पेशेंस वाला, पेशेंस बहुत होती है इसमें, ये क्या करेगा, आज खाना है आज ही नहीं, आज दो तीन दिन भी लगा सकता है उसको, रोज चेक करेगा वो, वहाँ भी तो ऐसी हुआ हो, जो बच्ची उठाई ना, अच्छा वो जो बच्ची उठाई है उस घर की पूरी रैकी करी थी उसने, कि कितने बजे कहाँ पे कौन कैसे कैसे काम कर रहा है यहाँ पे करके, अच्छा तब उस हिसाब से उठाया उसने, कि इतने बजे माँ चले जाती है, इतने बजे बच्चे अकेले होते हैं, इतने बजे अकेले होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसने दिख रहा था ना बीच में, जिस पहले बाकी किसी ने ध्यान दिया नहीं, कभी कभी इंसानों को तो मारा ही नहीं यहाँ पे, पहला केस हुआ वो, तो इस वजह से वो लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। अच्छा काला डूंगी में पहला केस हुआ, ये पहला केस हुआ था, तो यहाँ के टाइगर के लिए खाने पीने की भरपूर मात्रा है, लेपर्ड के लिए, टाइगर के लिए, तो इंसानों का अटैक नहीं किया, जबकि यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी बहुत पूरे लगभग सब गाँव है, क्षेत्र गाँव वाला ही क्षेत्र है, तो सब जंगल घास आस लकड़ी वकड़ी लेने जाते हैं, तो आज तक कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एरिया हो गया कम कॉर्बिट का, टाइगर हो गया ज्यादा, इस वजह से बड़ी दिक्कत आ जा रही है उनको, क्योंकि आपसी फाइट भी ये रहना अकेले पसंद करते हैं ना,
ये भी टेरिटोरियल होते हैं, इनकी टेरिटरी होती है, ये भी अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। मीटिंग टाइम में मिलेगी आपको मेल फीमेल एक साथ, तो मीटिंग तो अभी समय है नहीं। हाँ, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होगा। ये ब्रह्मबुबू का जो मंदिर है ना, मंदिर है अंदर में, ये एक ऐसी ट्रेल है ना हमारी जी, ये खुली हुई है काला डूंगी वालों को, ये अभी तक यही मिला है जंगल के नाम पे, ये ट्रेल में हम घुमा सकते हैं गेस्ट को। अच्छा, ये ट्रेल ऐसी है, इसमें दो दो तीन तीन टाइगर दिख जाते हैं इसमें, खाली ट्रेल में वॉक करने में, इतनी जबरदस्त है। लेकिन वॉकिंग रिस्की नहीं रहता होगा? रिस्की रहता है, अब ठीक है अपना जैसे गए हैं, गाइड है साथ में, बोलते चलते हुए मतलब सिस्टम से गए फिर अपने तरीके से। अच्छा, कितने लोगों में टाइगर अटैक नहीं करता? टाइगर तो देखो ऐसा है ना, टाइगर अकेले में भी अटैक नहीं करेगा, और अगर टाइगर देखा जाए तो चार जनों में दस जनों में भी अटैक कर देगा, बस अगर वो भूखा ना हो। अगर वो भूखा है तो ये समझ लो बीस में भी उठा के ले जाने की। औरतों के झुंड में अटैक करके कितनी औरतें ले गया सुंदरखाल में? वही सुंदरखाल में तो उस समय कड़ी पत्ते का काम था ना, जो 2010 के आसपास की जो बात थी। जी 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 जी, कड़ी पत्ते का उस समय बहुत अच्छा कारोबार होता था वहाँ के लोगों को, औरतें जो करती थी वो जाती जंगल में कड़ी पत्ते के पत्ते तोड़े कट्टे में भर भर के, मतलब वो सेल होता था कहीं जी, उसके वजह से हुआ हो जो पहला केस हुआ, लेडी मार दी। फिर तो उसके बाद तो एक महीने के अंदर दो दो तीन तीन मार। सर अल्टीमेटली उस टाइगर को परमिशन नहीं दे रहे थे मारने की, तो गांव वालों ने वहां पे धरना दे दिया एक बार तो। अरे बहुत बुरा, बहुत खतरनाक कहानी है, लोगों के फॉरेस्ट वालों के ऊपर पत्थर भी मारे उन्होंने। अरे वहां उन्होंने तो कॉर्बेट के गेट में बैठ के खोल नहीं दिए जंगल। सुंदरखाल एक ऐसा विलेज है जहाँ पे हर घर में हर परिवार में कोई ना कोई इंसिडेंट, कई बार सामना हुआ है लोगों का उनके टाइगर के संग, घर के आगे से क्रॉसिंग है ना, वहाँ पे पानी है ना, पलोताला है ना ऊपर, तो पानी भी है ना उधर से आएगा पार्क के से निकल के नीचे, तो बाउंड्री तो है नहीं, ओपन है वो, तो पानी पीने के लिए जाना है ही उसने, और जाना उनके घर के रास्ते से निकल के। और कहाँ से जाए? अभी एक बार बीच में ना, अभी मतलब साल भर हो गया है जी जी, जो अपना गिरजा मंदिर का गेट है दिन की बात है वो, तो लड़का पंडित जी बच गए वो। हाँ, वो जा रहे हैं वहाँ से, वो मंदिर की तरफ को जा रहे थे, उनके बगल से निकल के भागा वो टाइगर, तो वो भी जो है उसका रास्ता है वहाँ से निकलने का। सही बात, तो पुराना रास्ता है, रास्ता है ना उनका, हमने तो अभी बनाया अपना रास्ता। वही तो, क्या खाएगा? चिप्स खाएगा? चल अभी काला डूंगी से दिलवाते, यहीं पे आ रहा ना वो। वो लड़की भी तो थोड़ी आगे मारी थी, बस ऐसे थोड़ा अंदर गए वो, इतने उजाले में आ जा रहा है, बताओ तो सही। यहाँ पे कार के बगल में से कह रहा हूँ, यहाँ से दो तीन कुत्ते उठा के ले गया वो एक हफ्ते के अंदर। ये देखो लेडीज बैठी हुई है काला डूंगी टी पॉइंट पर, सामने है जिम कॉर्बेट का घर, जहाँ जिम कॉर्बेट पैदा हुए, मेरे ख्याल से नैनीताल पैदा हुए थे यहाँ तो, लेकिन पूरा बचपन उनका पूरी जिंदगी यही बीती उनकी। ये देखिए जिम कॉर्बेट का घर,